Today we have the second last topic on this chapter, magnetic effect of electric current. Today we'll read about the DC generator. तो डीसी जनरेटर, कल आपने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, वर्किंग पढ़ी थी, और उसके बाद उसको कैसे हम हाउ वी कैन इनहेंस द इंड्यूस ईएमएफ। तो उसमें आई टोल्ड यू आपका ना द फोर पॉइंट्स कि यू कैन इंक्रीज द टर्न्स ऑफ द आर्मेचर, आपका द नंबर ऑफ टर्न्स, सो नाउ यू कैन इनहेंस नाउ द इंड्यूस ईएमएफ। देन द सेकेंड वन, इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द आर्मेचर, सो on the same case of now you can enhance the emf of that generator. Third, the armature's rotation, speed of rotation can be also increased. Or the fourth one was the magnetic field strength, or yani ki the strength of the magnetic field if you are going to be increased, so it means you are going to increase the magnitude of the induced emf. ye kal aapne padha tha. aaj aap dc generator aap padhe hain, so now it generates the current which does not change its direction with time. यानी कि अपनी polarities को आपका change नहीं करता है आपका नाम, देखो, that's why it is known as आपका नाम unidirectional. आपका नाम देखो, दिस इज द करेंट कॉर्ड, आपका नाम डायरेक्ट करेंट आप इसको कहते हैं, दैट्स व्हाई। ये आपका डीसी जनरेटर के बारे में आपका होगा। अब इसमें जो आप कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बात करेंगे, अ लिटिल बिट इसमें भी पावरफुल आपका मैग्नेट लगेगी लगेगी, इसमें भी आपका रेक्टेंगुलर कॉयल लगेगी लगेगी, बस वहां जो रिंग्स लगाई थी आपने, स्लिप रिंग्स लगाई थी, उनकी जगह में यहां आप क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटर हो जाएगा, वहां फुल रिंग्स थी या हाफ हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, क्लियर? तो ना वो तो हम बात को आपका कहें कंस्ट्रक्शन, तो ना तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर या इसको आपका डायनामो इस सेम इस that of AC generator except in place of slip rings, apka na dekho ye slip rings split ka matlab bhag mein baantna, kata hua ho gaya apka, dekho na split ring type, apka na this is the कम्यूटेटर, आपका नाम इस यूज, ये आपका नाम इसमें कंस्ट्रक्शन में होता है आपका नाम, एक चीज उसकी जरा आप क्लियर, कल का अगर आपने पढ़ा होगा तो ना दो इसका मतलब विद दिस अरेंजमेंट जो वन ब्रश इज एट all time in contact with the arm, ye moving up in the field, ye aapka naam why the other brush is in contact with the आर मोमेंटम, एक ब्रश लगातार अप वाले के साथ ए बी आर्म के साथ और आपका दूसरा आपका नाम डाउन सी डी वाले के साथ आपका आएगा, ये है इसका। ये आपका परमानेंट मैग्नेट्स है, तब ये नहीं देखिएगा कि कैसे बनाए क्या बनाए, खाली ये तो आपको एक प्रैक्टिस आपका नाम कि कंस्ट्रक्शन के लिए आपका नाम दिखाने के लिए आपका ये इनके बीच में आपका देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी रखी हुई है ए बी सी डी आपका नाम देखो, जैसे उसमें आपको याद होगा वो क्या करती थी, उसकी जो रोटेशन थी वो क्या थी, क्लॉकवाइज थी। इसकी जो आपका रोटेशन होगी वो आपकी क्या होगी,
ये एंटी क्लॉकवाइज होगी आपका नाम देखो दस हजार, ठीक हो गया। इसमें आपका नाम देखो दस हजार, ये आपकी लगी हुई है आर वन और ये बी वन, इसके साथ ब्रशेस लगे हुए हैं। आपका नाम देखो दस, आप यहाँ पे ये ब्रश बी वन यहाँ रख सकते हैं, आप ये आपका देखो ये बी टू ब्रश यहाँ रख सकते हैं, इन ब्रशेस के साथ आपका नाम देखो दस हजार। ये आप यहाँ गैल्वेनोमीटर को यहाँ अटैच कर सकते हैं, आपका नाम देखो दस हजार, और ये इसके साथ ये देखो दस हजार। तो ये जो आपकी है यहाँ से आपका बस ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपका नाम देखो दस हजार एंटी क्लॉक वाइज आ रही है। तो आपका याद रखिएगा ये नीचे को आपका आएगी और ये इधर से ऊपर को जाएगी आपका, तो इसमें ये तो दिस इज द करंट, ये आपका देखो दस, और ये इधर से आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और नीचे को आपका नाम दिस इज द, ये ऐसे 90 डिग्री में आपका ये मोशन होगा आपका नाम, क्योंकि ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करती है, ये याद रखिएगा आपका नाम। क्लियर हो गया, ये आपका कॉम्बिनेटर्स लगे हुए हैं, ये आपका बी वन बी टू आपका नाम दिस इज द, ये ब्रशेस है आपका नाम देखो दिस इज द, और ये जो आपका डॉटेड लाइन से मैंने दिखाई हुई है दिस इज द शाफ्ट जो आपका रोटेट होती है आपका नाम देखो दिस। बस द ओनली डिफरेंस इज कि वहां स्लिप रिंग होती है एसी में और यहाँ पर आपका क्या होता है स्प्लिट रिंग्स टाइप कॉम्यूटेटर्स आपका नाम इसमें यूज की जाती है। ओके तो ये आपका हो गया। अब इसमें आपका नाम ये वर्किंग अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो डीसी जनरेटर का व्हाट इज द वर्क आपका, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, ये आप जरूर लिखिएगा उसमें आपका। तो व्हेन द कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ आर्म ए बी, ये आपका जब मूविंग डाउन आपकी होगी एंड जब ये डाउन जा रही है तो सी डी आपका क्या होगी दिस इज द मूविंग अप, तो नाउ देन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एफ एस क्या बताइए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपका ना देखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बी ए, बी ए बताइए कैसे लिखो, ये आ रहा है दिस बल्कि मैं उल्टा कर देता हूं ना, बी ए हाँ बी ए डी सी, यहां से करंट आपका देखो बी ए डी सी ऐसे आएगा आपका देखो ना इन ए सर्किट, ये सर्किट में यहां फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से आएगा आफ्टर हाफ जो रोटेशन होगा। सर फ्लेमिंग का करना है राइट हैंड का रूल किसका है आप मुझे, तो सर मैक्सवेल का है। वाह मेरे से फ्लेमिंग का तो लेफ्ट हैंड है, क्या चीज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है और मैक्सवेल का राइट हैंड है, किसने बोला यार आपको, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी है जो इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है राइट राइट लिखा। अरे सर पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए सर, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए लगता है और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो आपका ना डीसी जनरेटर के लिए लगता है सर। हाँ आप क्यों कंफ्यूजन है यार, वो स्क्रू रूल है क्या यार आप भी ना, आफ्टर हाफ रोटेशन रिंग आर वन, अभी वो भी क्लियर करता हूं आपका ना comes in contact with brush ये B1 and ring R2 comes in contact with brush B2 आपका R2 B2 के साथ और आपका B1 के, चेक कर लो कहीं मैंने गड़बड़ किया है तो बताओ मुझे, सबसे बड़ा यही है ये याद रख लेना। अगर ये थोड़ा भी समझदार मास्टर होगा ना आपके कान के पिछवाड़े पे मारेगा, R1 के साथ B2 कांटेक्ट में आता है और R2 के साथ B1 कांटेक्ट में आता है, हमेशा याद रखेगा खाली गर्दन में ला दिया आपका नाम। तो देयरफॉर उस समय आपका नाम
जो ब्रश बी वन होगा इज एट ऑल टाइम्स इन कॉन्टेक्ट विथ द वायर, जो आपका मूविंग अप होगी याद रखेगा इन द फील्ड, इसके साथ रहेगा आपका नाम दिस इज वाई. जबकि दूसरा जो आपका नाम द अदर इज इन कॉन्टेक्ट विथ ये मूविंग डाउन के साथ आपका हमेशा रहेगा आपका नाम देखो दिस इज सो द. इससे जो डायरेक्शन होगी आपके दिमाग में जो अभी आ रहा है उसको भी मैं अभी कीड़ा भगाता हूं. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन जो आपका एक्सटर्नल सर्किट रिमेन्स द सेम, यह आपका हमेशा सेम होगा दस आ. अभी अभी आपने क्या कहा था दस आ यूनि डायरेक्शनल ये करंट इज जनरेटेड, इससे आपका ना ये आपका जनरेटेड होता है. इसलिए अब इसी में आपका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द आपका ना डोमेस्टिक आपका ना दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब आपका दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी पोल. अगर आपने ध्यान से देखा होगा आपके यहां से एक ब्लैक कलर की मोटी थिक तार आती है, उसके साथ एक आपका सिल्वर की तार भी बाहर से बंधी होती है. ये आपका ब्लैक तार आपका नाम और इसके साथ कभी देखो ना बंधी भी होती है. आपने आप लोग तो फिर क्या करते हो आपका देखते ही नहीं है सिल्वर की ये ऐसे टाइट होकर के आपका बांध कर देते हैं. अब उससे हमें क्या मतलब वो कॉस्टली होती नहीं होती है. आपने कहा था सिल्वर मेडल ऑन मेडल सर आप नहीं समझ रहे हो. आपने तार देखी जो ब्राउन कलर की होती है आयरन की तार. अब आप जो जरा बाहर तार देख करके आइए अब क्या है वो सिल्वर की तार नहीं करते सिल्वर कलर की तार जो है इतना थोड़ा सा अगर ये आई तो देखो ये जो ऊपर की वाली तार है आपका ना देखो दिस इज ये अगर आप देखेंगे दिस इज द अर्थ वायर. जब भी आपका घर बनता है तो पूरा ये घर है इसके अंदर हर पॉइंट से आपकी एक अर्थ टायर होकर के जमीन के नीचे गाड़ दी गई होगी. जो वो पोल से आ रही है देखो ना आपका वो सीधा आपका वही आपके आ रही डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका देखो ये आ रही ये पूरे घर के साथ होती भी जाती है ये आपकी आ रही आपका देखो ना ये पूरा. और ये जो आपके बाकी ये जो ब्लैक कलर की तार है आजकल क्या होता है इसमें दो तारें होती हैं आपका नाम एक तो लिव वायर होती है और एक आपका नाम दिस इज ये न्यूट्रल वायर होती है. इसमें दो तारें आ गई ये यहां आएगी तो सबसे पहले याद रखिएगा आजकल लोग क्या करें इलेक्ट्रिसिटी मीटर बाहर होता है क्योंकि आपकी एब्सेंट में गेट खोला और बिल वाले आते हैं जो आपका देखा मीटर रीडिंग और आपका आजकल मशीन लेके आते हैं उसी में आपका ये पकड़ो जी अपना बिल नहीं तो रख जाते हैं वहां पे बेचारे. या इसके बाद ये जो लिव वायर है आपका देखो ना ये मीटर से होता हुआ ये मीटर के अंदर जो आपका ये होता हुआ अब ये यहां से आते हैं आपका ना देखो दस सीधा. इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका ना जो फ्यूज होता है MCB जिसको कहते हैं MCB की फुल फॉर्म क्या है कल मैंने बताया एग्जैक्टली मिनिएचर करंट ब्रेकअप आपका बिल्कुल ये आपका ना ये ब्रेक आपका ये देखो आपका ये इसमें आ गया आपका ना इसी में आपकी क्या होती है फ्यूज लगी होती है जैसे वोल्टेज वगैरह था कट कट करता है तो ट्रिप हो जाता है आपका ना. आजकल आपकी मोटर भी अगर 1 horsepower की और वोल्टेज कम है उस समय भी आप देखिएगा इसमें ये आगे लिव वायर ठीक है सर.
ये आपका मीटर से होती हुई आपका ना देखो, ये न्यूट्रल वायर भी आपका मीटर से होते हुए, और ये आपका ना ये आगे को लिप वायर आपके आ रही है आपका ना। ये तो आपका अर्थ वायर पूरे मकान में घूम करके आ जाती है, और ये नीचे इसको गाड़ देते हैं कि जो बिजली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपका जब आपका थंडरिंग वगैरह होती है ना, तूफान वगैरह, तो वो जो ऊपर की बिजली है वो आपके अर्थिंग उसको मिल जाती है आपका कहने का। बाकी और अब ये आई आपका देखो ना, दिस ये आ गया। तो अभी मेन यहाँ पे एमसीक्यूज के बाद आप यहाँ से भी एमसीक्यू आप दो कमरों का अलग बना लीजिए, टॉयलेट आपका ना दो टॉयलेट्स का, एक लॉबी का, मतलब उसमें आप जितना ये आपको सेफ साइड एमसीबी लगाने का मतलब कि आप जो है भट्टी वाले पहाड़ आपको नहीं पड़ने पड़ेंगे। तो जो आपके घर में ये जो एक्चुअल में आ रही है ये आपका 220 वोल्ट की डोमेस्टिक लाइन आपकी आती है, याद रखिएगा आपका नाम 10,000। ये पोटेंशियल ऑफ जो आती है ये 220 वोल्ट की आती है आपका नाम देखो 10,000। बस तो ये आपका नाम ये लगे होते हैं यहाँ पर, ये आप इसको आगे से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉक्स, इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से आपका नाम इसमें भी आपका कंटेनिंग मेन स्विच भी आप लगा सकते हैं, या आपका एमसीबी के साथ एक और लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अगर अपना घर सेफ चाहिए आजकल, इधर आप हल्दू चौड़ वगैरह के नीचे की तरफ को सुनते हैं, हर साल में एक बार आता है हमारे फ्रिज फूक गया, हमारे यहाँ आपका बिजली का पंखा फूक गया, ओवरलोडेड वगैरह के प्रॉब्लम्स, और उसके बाद तब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका नाम देखो 10,000। आपका ऐसे करके आपका हर रूम्स के लिए आपका ना इनको दिया जाता है, और ये साथ ही साथ इसको आपका न्यूट्रल वायर्स के साथ दिया करना जुड़े दिया करना। तो ये जो आपके होते हैं ये आपका 10,220 वोल्ट की लाइन आपकी जा रही है, साथ साथ चलती है, स्टेबलाइजर का मतलब स्टेप अप करने के लिए, स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है स्टेप अप, पहले थी हल्द्वानी में जरूरत अब नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लगाएं। आपका ये जो आ रही है जब आपका बिजली के मीटर से अंदर आ गई और आपका यहां आ गई एमसीबी, उसके बाद आप स्टेबलाइजर को भी लगा सकते हैं, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज आपका ना वो बड़ा स्टेबलाइजर आपका 9,000-10,000 का बनाते हैं। आपके यहां जो है सभी अप्लायंसेस को आपका ना कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आपका स्टेबलाइजर लगाया जाता है। पहले हमारे घरों में भी था, अब निकाल दिया, इतना बड़ा बॉक्स कहां उसको असेंबल करेंगे घर के बाहर है? क्या होगा, मैं कम मना कर रहा हूँ, होगा, हमने भी लगाया था। क्यों, ये सारी चीजें जब आपकी कंस्ट्रक्शन होती है उस समय आपका बहुत क्लियरली आपको सोचना पड़ता है, मीटर का बॉक्स कहाँ लगाएंगे बाहर, आपका एमसीबी अंदर आपका कहाँ लगेगा, स्टेबलाइजर को आपका कहाँ लगाएंगे, तो ये आपका बेसिकली आपका एनी हमने क्या करना, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका नाम, यानी कि ये जो डायग्राम है कॉमन डोमेस्टिक साइड आपका 10,000 कॉमन डोमेस्टिक आपका नाम 10,000। ये सर्किट आपका नाम, आप इसको अगर मेरे पुराने वाले में देखेंगे तो आपका बहुत अच्छे ढंग से बना होगा। तो चलो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ये कहां प्रोड्यूस होती है, एट पावर स्टेशन पे आपका नाम देखते इस ब्रॉड टू आवर होम्स थ्रू आपका वायर्स के थ्रू आपका ना ये कायदे से जो ये वायर होती है ना ये थिक कॉपर वायर या ये आपका ना एल्यूमिनियम की वायर आपकी होती है आपके जो पोल से आपके घर तक आ रही है। वो तो डिब्बे, वो तो आजकल वो लगा रहे हैं जो आपकी वो वाईफाई के लिए चार पोलों के बीच वो स्टेप अप करने के लिए लगाया हो, ट्रांसफार्मर लगाया होता है, वो ट्रांसफार्मर कहते हैं उसको। आपके एरिया में कोई दिक्कत नहीं हो ट्रांसफॉर्म करे, क्योंकि जो आपका वहां से पावर स्टेशन जो जैसे 33 KV की लाइन आ रही है, जैसे कमलवा गांजा कमलवा गाजा में 11+11+11 इसको यहाँ पे आपका नाम ट्रांसफर,
तो फिर 11 एक एरिया में भेज दी जाएगी, 11 दूसरे एरिया में, 11 ये वो ट्रांसफार्मर होता है, वो मेरी गली में भी लगा, कहीं और भी आपका नाम तो वो तो आजकल क्या लोग तो बड़े चालू हैं, जो पावरफुल है, जिसके ग्राम प्रधान, जिनके ये आपका BTC मेंबर, ये अगर आपकी पहचान के आपने थोड़ा मस्का लगा, आजकल बटरिंग का जमाना है, फ्लैटरिंग एंड बटरिंग, ये याद रखिएगा। तो ना ये है हमेशा 33 KB को आप कराओ, फिर इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर स्टेप अप किया जाता है, फिर इससे 11 से भी आप ट्रांसफार्मर से 33 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने बड़े एरिया को सप्लाई करनी होती है आपका, ना देखो 12 तो इसमें आपका आपके यहाँ आता है वो कायदे से आपका कॉपर या एल्यूमिनियम जो बिजली के पोल, वहाँ क्या होता मुझे छोड़िए आपका, वहाँ आयरन के लगाओ क्या मत आपका ना, मुझे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके घर के अंदर एक तो जो वायरिंग होगी, ये वायरिंग आपकी कॉपर या एल्यूमिनियम की होगी, बेसिकली हम कॉपर की ही लगाते हैं। क्लियर हो गया सर? इसमें से जो आपका ना ये रेड आपका इंसुलेशन कवर में होगा, वो आपका नाम दिस इज द ये लिप वायर होगा, जैसे आप देखो ये ऊपर वाले में देखो आपका नाम एक लिप वायर है, वो रेड वो देख लो आप वहां दिख रही है, और व्हाइट कहां है वो कायदे से क्या है कि ये आपका नाम ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन इंसुलेटेड आपका इंसुलेशन कवर होनी चाहिए, ये आपका न्यूट्रल आपका ये होनी चाहिए आपका नाम देखो दिस। अब लोग आजकल इसको ब्लैक भी कर दे रहे हैं, वहां येलो है देखो आपका ना, अरे सर येलो है सर, मैंने इरेक्ट किया हुआ तो मुझे पता नहीं आपका देखो। और न्यूट्रल वायर जो होगी इसकी आप जो पोटेंशियल होगी वो आपका कितनी होगी, 0 पोटेंशियल, और जो लीव वायर होगी ये आपका 220 वोल्ट होगी आपका ना देखो विद ए फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ होगी, ये आपका नाम देखा दसिस। सर न्यूट्रल वायर के काम क्या होता है, काम क्या होता है जरा देख लीजिए, क्या एक लिव वायर है बिना न्यूट्रल वायर के तो आपका नाम करंट नहीं लगेगा, नहीं अर्थिंग वगैरह जो देते हैं आपका ये होते हैं, एक में न्यूट्रल वायर जाएगी, एक में लिव वायर जाएगी, और एक आप आपका ये अर्थ वायर जाएगी जिससे आपको करंट नहीं लगेगा। अरे यार अनाड़ियों को तो कायदे से तो 3 ही प्लग के होने चाहिए, क्योंकि कम की है ना, लोग सोचते हैं कम की है आपका नाम, इतने एम्पियर की है आपका नाम, कम एम्पियर की है, इसलिए कायदे से आपके जो आपका 3 पिन प्लग होने चाहिए, इसमें भी क्या वो जो मोबाइल चार्जर होते हैं इसमें भी आपके दो आपका एक कम वाला होता है आपका नाम देखो दस, एक 5 एम्पियर का होता है और एक जो बड़ा वाला होता है वो 15 एम्पियर का आपका होता है, ये चीज है इसमें। तो लोग आपका जो घर के अंदर है जैसे आपका जो जहाँ वॉशिंग मशीन चलती होगी बड़ा वाला प्लग होता है वो 15 एम्पियर का होता है, गीजर जो चलता है 15, वॉशिंग मशीन वाला आप जो मोबाइल चार्जर लगाते हैं 2 पिन का लगा देते हैं उसमें कि 5 एम्पियर का है, कोई डैमेज नहीं करेगा, ये है उसमें आपका, समझ रहे क्लियर क्लियर। तो ये हो गया आपका, तो ये जो दीस वायर्स, ये जो वायर्स लिव वायर और प्लस ये जो आपका न्यूट्रल वायर होते हैं 5 × एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गए तो अपना कनेक्टेड इन होम आपके घर में, अब आपका कनेक्ट हो गया अपना देखो थ्रो मेन फ्यूज पहले मेन फ्यूज क्या होते थे बेक लाइट में बनाकर, जब ओवर हीटिंग हो जाती थी या कम वोल्टेज जाता था टूट जाते थे था, फिर रात को उड़ा करके फिर वो छोटी पतली तार लाओ उसमें, कहां से लाओगे रात को नया, फिर उसमें तार जोड़ी होती थी यार, स्क्रू से टायर करते थे, अब जमाना गया तभी तो MCB का जमाना आ गया। उसके बाद ये मेन फ्यूज हो गया आपका ना देखो, दे आर कनेक्टेड तो फायर प्रूफ आपके तार आने लगे, हम लोगों के मकानों में फायर प्रूफ थोड़ा होते थे उस समय, अब आप लोगों के जैसे जैसा पैसा, गरीब आदमी अगर फायर प्रूफ लेने जाएगा तो उतने में तो बेचारे का फायर ही निकल जाएगा, 2 कमरे बनाने होते हैं उसको। तो ये आपका ना देखो कनेक्टेड टू लिव वायर, ये आपका लिव वायर के साथ आपका ना इन होम
थ्रो द मेन स्विच से आपका ना ये बिल्कुल डोमेस्टिक मैंने वही बोला, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा आपका ना। देखो यूजुअली देयर आर टू सेपरेट, ये आपके दो होते हैं आपका देखो ना सर्किट इन हाउस जो अभी आप सर्किट इन हाउस, ये दो प्रकार के आपका ना सर्किट्स होते हैं आपका ना। देखो एक तो आपकी होती है लाइटनिंग आपका नाम देखो दिस, ये लाइटनिंग आपका नाम देखो दिस सर्किट, ये जो आप मेरे को कह रहे हैं मोबाइल का दो पिन वाला आप लगाते हैं ये लाइटनिंग सर्किट होती है आपका नाम देखो विद इट, ये 5 एम्पियर की फ्यूज के साथ होती है जो आपका कई बार आप ये छोटा सा देखते हैं आप यहां घुसेड़ देते हो छोटे वाले चार्जर को इसमें घुसे, इसको छोड़ो यार कोई बात नहीं 5 एम्पियर का कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये जो दूसरा होता है एंड द आपका ये पावर सर्किट आपका ना विथ 15 एम्पियर का आपका ना फ्यूज होता है, जैसे एक बल्ब जलाना है या मंदिर की माला आप लगा देते ये इसी में घुसेड़ देता आदमी कायदे से, तो इसमें भी 3 पिन लगाना ही चाहिए लेकिन मोबाइल में आते नहीं 3 पिन, तो कोई बात नहीं 5 एम्पियर की बात हो गई आपका ना। तो ये जो पावर सर्किट्स बेसिकली होते हैं जैसे आपका ना आपका गीजर होगा घर में, ये होगा आपके यहाँ एयर कंडीशनर होगा आपका एसी आपके यहाँ होगा, या आपके जो वॉशिंग मशीन वाला आपका होगा, या आपके यहाँ वो है फ्रिज आपका हो गया आपका ना रेफ्रिजरेटर, या आपका कूलर वगैरह होते हैं आपका ना देखो जैसे इनके लिए आपका ना इसका यूज किया जाता, नहीं तो अगर आप इनको छोटे वाले में लगाओगे तो ये थोड़े दिनों बाद जल जाएगा उतनी यार, 5 वाले को कह रहे तो 15 दे, 5 फ्यूज वाले को आप कह रहे करंट आपका जो एम्पियर का उसको कह रहे 15 एम्पियर की करंट दे, तो क्या होगा आप खुद ही समझ लीजिएगा। तो ना देखो तो ना तो ये जो आपका हो गया क्लियर, तो ईच डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका ना सर्किट है इस ये प्रोवाइडेड बाय ये आपका सेपरेट फ्यूज के साथ आपका होते हैं बाप ना, क्यों होता सो दैट इट इज अ फॉल्ट लाइक शॉर्ट सर्किटिंग आपका, ये किसी भी कारण के हो सकता है, पता चला आपकी प्रेस आपने देखा नहीं, आजकल क्या होता है जल्दीबाजी में प्रेस निकाले और यूं मोड़ मार करके तार पता चले तार कट गई, कई बार आपका क्या होता है ये जो आवाज आती है इसकी आपका इसमें कट कट की आवाज आनी चाहिए, जो आपका बेक लाइट स्विच होती है जो आपके घर के स्विच होती है जब वो आपका ना ढीले होने लग जाए उनको तुरंत बदल दो, ये भी तो शॉर्ट सर्किटिंग का है आपका ना, आपका कम एम्पियर से ज्यादा आपका वोल्टेज लेना आपका ना कम पेपर 5 एम्पियर वाले से करें 15 का दे आपका ना, तो आप खुद ही तो ये आपका तो शॉर्ट सर्किटिंग आपका ना देखो दिस अकर्स इन वन सर्किट, अगर गलती से आपका शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, इसीलिए सेपरेट फ्यूज लगाए जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा जैसे मैंने भी अपने यहां लगाया दो कमरों का एक दो कमरों का एक, अगर एक तरफ से खराब हो तो दो कमरों की लाइट रहेगी तब उसको आकर के आप उसको फिर ट्रिप जो आपका हो जाता उसका फिर आप लीवर को उठा दो, पहले लीवर वाले भी आते थे अब लीवर वाले कट कट होता है नीचे आ गया फिर ऊपर उसको एमसीबी नीचे गिर गए उसको फिर आप ऊपर कर दो, समझ गए। तो ये आपका नाम तो दिस इट्स जो इसकी इसकी जो आपका करस्पॉन्डिंग आपका ना फ्यूज होगा ये आपका ब्लो ऑफ हो जाएगा, ये ब्लो ऑफ हो जाएगा बट द अदर सर्किट तो जो और सर्किट से आपका नाम देखो दिस इज द ये आपका नाम ये आपका रिमेन्स ये अनइफेक्टेड होगा। कई बार हमने अरे मेरे कमरे की लाइट चली गई बाथरूम की लाइट चली गई बाकी और कमरों में लाइट होती है, इसीलिए उसके डिफरेंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन से आपका फ्यूज आपका शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए पहले ही आपका नाम तो वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड, अभी जितने भी वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट आर कनेक्टेड इनको आपका पैरेलल किया जाता है सीरीज में नहीं, सीरीज में तो एक गया तो भट्टिकम भट्ट 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 हो गया आपका नाम यानी कि सारे ब्लो ऑफ हो जाएंगे,
बंद हो जाएंगे। दिवाली की लड़ी में तो 500 रुपए है। दिवाली की लड़ी में आप जो बल्ब लगते हैं 60 वो तो सीरीज में लगते हैं, लेकिन जो अलग अलग माला होती है वो पैरेलल लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक हो गया, कनेक्टेड आपका नाम ये आपका पैरेलल हो गया आपका नाम देखो। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका नाम देखो, जैसे लाइट आपका आपके घर में बल्ब हो गया आपका नाम देखो, या आपका ये जो फैंस हो गया आपका नाम देखो, या आपका नाम ये सॉकेट्स हो गए, सॉकेट्स इनको कहते हैं आपका नाम देखो ETC, ये आपका हमेशा आर कनेक्टेड, ये आपका हमेशा पैरेलल आपका कनेक्ट किया जाता है आपका नाम देखो, ये पैरेलल कनेक्टेड अक्रॉस द लिप वायर, ये लिप वायर के साथ आपका एंड न्यूट्रल वायर के साथ आपका ये लगाया जाता है आपका नाम देखो। क्लियर? कैसे क्या है ये पता नहीं भाई, ये तो उनको पूछिए आपका नाम। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज डिफरेंट फिनोमिना आपका नाम देखो, डिफरेंट फिनोमिना एंड कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले आपका नाम अर्थिंग, जिसको आपका नाम देखो अर्थ वायर करते हैं, ये आपके कायदे से हर घर में लगी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ वायर का मतलब आपका हो गया टू अवॉइड रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ये अंग्रेजी का शॉक है, हिंदी का शॉक नहीं, हिंदी के शॉक का मतलब टू फॉन्ड ऑफ होता है, याद रखेगा। तो ना इसीलिए द मेटल बॉडी ऑफ आपके आप जैसे प्रेस की बात कर रहे थे हम, आपका देखो ना उसकी मेटल बॉडी होती है आपका ना देखो, तो ये अप्लायंसेस आपका ना देखो इस अर्थ, इनको हमेशा ये अर्थ में किया जाता है आपका ना देखो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अर्थिंग है, अर्थिंग मींस टू कनेक्ट द मेटल केस, ये आपका ना देखो ऑफ द अप्लायंस टू द अर्थ, यानी कि इसका मतलब जीरो पोटेंशियल आपका नाउ ये देता है आपका अर्थ का मतलब जीरो पोटेंशियल आपका नाउ देखो। तो बाय मींस ऑफ मेटल वायर इज कॉल्ड, ये आपका नाउ दिस इज द ये अर्थ वायर आपका कहते हैं, ये कायदे से ग्रीन इंसुलेशन अपना नाम ग्रीन इंसुलेशन कवर होती है, ग्रीन इंसुलेशन, क्योंकि अर्थ का कलर क्या है ग्रीन ही आपका नाम देखो। तो वन एंड ऑफ ये वन एंड ऑफ दिस अर्थ वायर इज बरीड टू द अर्थ। अब तो करते ही नहीं करते, मुझे अपना कंप्लीट मकान जब हमने बनाया कंप्लीट मकान, तो पूरे घर की अर्थिंग करके, और ये आपका नाम कॉपर की ऐसे आपका नाम ये मेरे हिसाब से 2 इंच की प्लेट और लगभग ये करीब आपका नाम जो होगा 15 फिट नीचे आपका जमीन में गाड़ करके उसके बाद इसमें आपका नाम मेरे हिसाब से 2 बैग्स आपका नाम इसमें चूना 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 और प्लस आपका नाम इसमें नमक ये डाल दिया गया था नीचे। बड़ा कौन खोदता है तो लेबर होगी वो खोदेगा। हाँ, कायदे से अर्थिंग वैसे ही होनी चाहिए। आज तो आप लोगों के माँ बाप को टाइम ही नहीं, पैसा फेंको तमाशा देखो। हमने तो अपना मकान अपने सामने कैसे बनाया मेरे फादर ने आपका नाम, अब तो है ही नहीं बेचारे। तो ना द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द अर्थ बाय यूजिंग द टॉप पिन ऑफ अ 3-पिन प्लग। ये आपका देखो अर्थिंग सेव्स अस फ्रॉम आपका नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक शॉक।
ये आपको इससे बचाती है आपका नाव देखो दस। तो ये यानी कि जैसे वो टू पिन आपका थ्री पिन प्लग होता ना यहाँ भी है सामने वाले में, अब उसको मैं बोर्ड को यहाँ ला नहीं सकता, ये देखो ऐसे ये बड़ा वाला होता है और ये थोड़ा सा छोटे होते हैं आपने देखा होगा। तो ये जो ऊपर वाला है ये अर्थ के लिए होता है, इसमें से एक लिप के लिए और एक न्यूट्रल के लिए आपका होता है। ये ऐसे ही ऐसे लगा देते होगा ही नहीं यार उल्टा अगर है? अरे सर ये आपका कैसे हो जाएगा चार्ज यार, लिप वायर तो यही रहेगा। अब आप इसको इधर या इसको इधर कर दो अब अलग बात है, यहाँ तो घुसेड़ ही नहीं सकते इसको। अरे सर फिर वही टेढ़ी खीर वाली बात कर रहे हैं, यहाँ ये अर्थ वायर के लिए। अब कैसे भगवान जाने, आप ही लोग ऐसे कमाल कर सकते हो, तभी तो मैं कह रहा हूं अब शॉर्ट सर्किट। मैंने अपने 47 साल में तो ये ऐसा किया नहीं एकदम। लिप वायर एंड ये जो न्यूट्रल वायर है आपका देखो कम्स इन कॉन्टेक्ट आइदर ये डायरेक्टली और वायर कनेक्टिंग वायर या कंडक्टिंग वायर आपका जो भी होगा ये। यानी कि कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब ही हो गया लिप वायर और प्लस न्यूट्रल वायर दोनों को मिला दीजिए आपका नाम ये दिस इज द तो आपका शॉर्ट सर्किटिंग है, है? मिल कैसे आती है? अरे मिला दो ना, मिल कैसे जाती है हाथ से मिलाओ बोर्ड के अंदर थोड़ा कुछ, एक तार वहां डालो एक दोनों को मिला दो बोर्ड खोल करके डालोगे उसमें हाथ। अरे यार आपको मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ यार, मैं जानबूझ के थोड़ा आग जानबूझ के थोड़ा लगती है ये जब गलती क्या बोल रहा हूँ यार देखो ना इधर लिप वायर एंड न्यूट्रल वायर आपका ना देखो कम्स इन कॉन्टेक्ट आइदर डायरेक्टली ये देख रहे हो ये क्या देख रहे हो और वायर आपका कनेक्टिंग वायर लिखा हुआ ना आपका देखो ना ये भी तो देखो देन कैसी बात करते हो यार देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड आपका नाम देखो इसको आपका शॉर्ट सर्किटिंग किया जाता है। अब आपको देखना आप कह रहे कैसे करते हैं डाल दो ये तार है ना एक नंगी तार ही है क्या क्या होता एक तार इसमें घुसे है ना और एक इसमें आप दोनों को जोड़ देना और फिर देखो आप होता नहीं होता आज ये चेक कर लो घर जा करके ना मेरे कहने से क्या होगा मैं तो आपको खाली थ्योरी पढ़ा रहा हूं तुम प्रैक्टिकल करके देख लो लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए ठीक है सर का क्या मतलब हुआ अगर रावत सर ने प्रैक्टिकल करने के लिए बोला था ऐसा बिल्कुल कर मत देना ऐसे कौन उल्टी खोपड़ी आप लोगों को सिखाता है। इन सच केस द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ऑलमोस्ट जीरो इस केस में आपका नाम ये बिल्कुल आपका सर्किट का जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो बिल्कुल आपका जीरो हो जाता है विच रिजल्ट और जिसका जो परिणाम आपको मिलता है वो क्या मिलता है इन द फ्लो ऑफ लार्जर करंट इससे आपको लार्जर करंट आपको मिल जाता है। तो दिस हिट्स अप वायर तो ये वायर आपको क्या करेगा गर्म कर देगा हीट अप कर देगा मेल्ट कर देगा आपका नाम डेंजरसली बुरी तरह से आपका डेंजर खतरनाक ढंग से आपका एंड मे लीड टू एंड मे लीड टू फायर आपके घर में आग लग सकती है आपका नाम देखो दिस इज द ये हो सकती है आपको जानबूझ के थोड़ा ना लेकिन सरकमस्टेंसेस कुछ भी हो सकती है। अब आप कहेंगे इतनी मेरी मदर मुझे 3 साल से आज 3.5 साल मेरी मॉम को एक्सपायर हुए होंगे वो छत में जाती थी तो कहते बेटे करंट आ रहा नहीं मॉम आप गीले हाथ से तो नहीं जाती क्योंकि छत में जाने का मतलब उनका ही होगा वो कपड़े सुखाने के लिए जा रही हूँ कपड़े धो कर अब वो यार वो नंगे पैर जाती थी क्या मैंने नहीं उन्होंने मर के शाम को जा बेटा करंट आ रहा है मॉम नहीं नहीं आपके हाथ में ठीक हो गया सर वो 2 साल से कह रही थी और मैं उस चीज को इग्नोर कर रहा था। एक दिन गलती से मैं गीले हाथ से अब वो मेरे पूरे मकान पे आ गया पूरे मकान पे मैं जैसे ही गीले हाथ लेके ताला लगाना गया शटर में वो ताला मेरे हाथ से यूं छूटा
और तब मुझे अकल आई कि मेरी मदर 2 साल से कह रही मैं नहीं सुना था, मैं बड़े मजाक में और उसको ले रहा, जब मुझे करंट लगा मैं ठीक हो गया सर। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट आप सुनिए तो सही यार, हो गया सर। वो भी उसके बाद भी मेरे जेंट्स हो गए, जेंट्स की आदत क्या होगी साला, 10 जगहों में गप्पे मार लेगा लेकिन घर के काम को साला बुरा मत मान। अब क्या हुआ, एक दिन माई वाइफ वॉज सिटिंग इन ए लॉबी, पंखे में कहीं से उनको चिंगारी दिखने लग गई। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, मैं यहां से जब गया, अब आप देखो, अब आप डिपार्टमेंट की, मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जब गया कमलवा घाजा कंप्लेन लिखाने के लिए, जहां भी होगा गुरुकुल स्कूल के पीछे है यार, अब मैं इतना क्या जानू, मैं तो आपको मैं कंप्लेन लिखाने गया, तो सरकारी डिपार्टमेंट देख लीजिए आप, तास खेल रहे हो, ठीक हो गया सर। मैंने उनको बड़ी नॉर्मली हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर बोला, शनिवार का दिन देखो, बोला ठीक है देख लेंगे ये देख लेंगे। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, आपका जो काम है मेरा काम आपको पढ़ाना है और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके साथ खीखी खूकू काका कर रहा हूं, तो आपके माँ बाप को भी गुस्सा आना चाहिए। मैंने उनको सुनाया और मैंने तुरंत कहा वेरी योर कंप्लेन रजिस्टर। जब मैं उनको अंग्रेजी में बोलने लगा तो उनके थोड़ा सा तो हिलने लगे, मैंने तुरंत कंप्लेन रजिस्टर में आपका नाम एडीएम करके नाम लिखा, चाचा जी उसमें एडीएम थे, कि मैं एडीएम आपका ही है, मेरे बड़े भाई के यहाँ जो है क्या नाम कहते हैं आपका जो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और आपके कर्मचारी इसको सुन रहे हैं, और वही कंप्लेन को मैंने आपका मोबाइल से आपका ना जो है उसकी फोटो ली और रजिस्टर में लिखा, हाँ हाँ उनके रजिस्टर में लिखा और साथ में ये लिख दिया कि सिटी मजिस्ट्रेट इज जस्ट कमिंग आपका नाम टू चेक यू, ये भी लिख दिया साहब। उसमें से जिसने थोड़ा सा ये देखा उन्होंने कहा एडीएम उनका नाम लिखा था, सिटी मजिस्ट्रेट का भी नाम लिखा था। सर रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे पीछे आए और जिस कनेक्शन को मैं उनको लगा था 4 साल से, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ क्या थी कि 5 मकानों में हमारी लाइट जाती थी तो सबके यहाँ लाइट होती थी, हमारे पता नहीं 5 मकानों क्या थे। तुरंत आए, मेरा कनेक्शन उन्होंने ठीक किया, जो अर्थिंग हो रही थी मेरे मकान पे उसको कट किया उन्होंने, उसको बिजली के पोल जहां भी जैसा किया होगा, आज वो मेरे यहाँ नहीं है। अब क्या, अब आज मैं थोड़ा सा बिजली के पोल में जब मैं टच कर रहा था वो बिजली के पोल में करंट आ रहा था, आज आज की बात है, हाँ क्योंकि वो नाली बन रही होगी, अब वो क्या लीकेज मैं नहीं जानता, तो नहीं नहीं मैं तो चेक कर रहा था ना उसके नीचे कि इन्होंने सीमेंट लगाया नहीं निकाला, सरकार नाली बना रही है और पोल देखिए उन्होंने नाली में खोदा हुआ, ये तो सरकार की देखो ना व्यवस्था है, मतलब कितने स्मार्ट जेई है वो सरकार के पीडब्ल्यूडी के, नाली बना रहे हैं वो इतनी चौड़ी, अबे गधो इस चौड़ी को इसको कम कर दो, नीचे उसको डेप्थ खोद दो उसकी, नाली ने बना दिया नाला बना दिया, तो ये सरकारी काम है, इसीलिए स्कूलों का बर्बाद, सरकारी हॉस्पिटलों का बर्बाद। पैसा आपको दिक्कत नहीं हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, हमें आंख दिखाती सरकार, इनकम टैक्स जमा करो, कहां से करो है ही नहीं, हम लोगों से सरकारें चलती हैं, सरकार से हम नहीं चलते, मत दे तू रोटी, तो दैट्स व्हाई, इसलिए ये कह रहा हूं, तो ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। बाद सर ईमानदारी में सरवाइव करना हमारे लिए दिक्कत हो गई है सर, ये याद रखिएगा, ओवरलोडिंग। अब आप लगाइए, सरकार का जब बिजली के पोल से आपके घर में कनेक्शन आता है तो 2 किलोवाट का आता है, अप्रूव्ड होता है, दिस इज सैंक्शन बाय आपका गवर्नमेंट, आप कोई भी न्यू कनेक्शन इफ यू आर टेकिंग आपका फॉर योर न्यू हाउस जो मकान कर रहे हैं। लेकिन आप ये लगाइए, आजकल पैसा तो सबके पास है, पड़ोसी कमजोर है क्या है? आपका एसी चल रहा है, पता चला एसी ने 1.5 किलोवाट तो आपका उसी ने ले लिया, तो अब आप लगाइए तो क्या होगी आपका ना, दो ये आपकी ओवरलोडिंग ही तो है, सबके घरों में एसी चलते हैं गर्मियों में, पता चला आपके यहां का बल्ब जो काना दिया जैसा जलता है, क्या व्हाट इज दैट,
तो सरकार को तो सरकार को एग्जैक्ट नहीं करते ना, क्योंकि सरकार के सब चमचे हैं खड़े, इन्हीं स्पूनर्स ने तो सरकार को खत्म किया है। तब आप कह रहे मोदी और योगी को आप जो है ढंग की सरकार लाओ। आपके ढंग की सरकार में मोदी और योगी ईमानदार है, वहां भी तो पीछे भेवड़े हैं खाने खमाने वाले। अब आप इसको आइधर में मत ले जाओ। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब आज की तारीख में चोर डिपार्टमेंट, ये आप इसको आइधर में कहीं। मैं तो जाता ही हूं ना, मैं तो रोज काम कराने जा रहा हूं। और अगर आपकी अंग्रेजी परफेक्ट है, अभी मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, उनके बैंक के काम करने के लिए मैं जा रहा हूं। SBI इज द वर्स्ट बैंक इन इंडिया, जबकि सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद। आप खड़े रहेंगे, जबकि आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। प्राइवेट क्यों है, गवर्नमेंट है यार, क्यों प्राइवेट होगी? SDFC थोड़ा है, एक्सिस बैंक थोड़ा है, ICICI लोम्बार्ड थोड़ा है। जब मैं उनसे अंग्रेजी में बात करने लग गया, यस सर, तो मैनेजर भी खड़ा हो गया। इतने प्यार से उन्होंने मुझे समझाया है। और आज जब मैं सारे खाना सारा कंप्लीट करके फॉर्म लेके बोला, सर आपको एक हफ्ते के अंदर चेक मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, आई डू नॉट वॉन्ट द मनी, मेरे फादर की जो मनी है आप इसको यहीं रखिए, आपका नाम मेरे अकाउंट में यहीं खुलवा देता हूँ यहीं, नहीं तो आप मुझे एक देंगे, मैं अपने बैंक में यहीं रहने दीजिए, उनका अकाउंट था तो मुझे भी लगेगा मेरे पापा का अकाउंट है। तो ये है चीज़, ये चीज़ है आपका ना। तो देखो इसलिए मैंने वही बोला, मुझे तो अगर एक साल के लिए अगर HRD मिनिस्टर बना देते मोदी साहब, तो मैं तुम्हारी सरकारी स्कूलों को सबसे पहले पटरी में लाता, ये तो मेरा पक्का है। उसके बाद फिर तुम्हारे स्कूलों की जो मैं वाट लगाता, तो इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कई बार आपकी मिक्सी भी चल रही साहब, गीजर भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रही है, AC भी चल रहा है, तो अपने आप ही आपका ओवरलोडिंग ही होगा यार आपका ना। देखो दस तो अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग एंड आर ये स्विच डॉ सारे एक साथ है आपका। देखो एट द सेम टाइम लेडीज को क्या फर्क पड़ता है, कमाने वाले की जो है ना हालत खराब होगी ना, बिल तो उसको भरना है ना, देन अगर वो कमा रही है तब तो ठीक है। आपके मम्मी पापा दोनों कमाने वाले हैं क्या, सबके हाउस वाइफ हैं यहाँ, तब ठीक है, देख लीजिएगा। तो ना देन दे ड्रॉ आपका नाउ लार्ज करेंट फ्रॉम ए सर्किट आपको। अब आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, इसको ही आपका नाउ ओवरलोडिंग कहा जाता है आपका नाउ। देखो तो इसका मतलब द लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एक्सेसिवली हीट्स अप द वायर एंड मे लीड टू फायर। अब ये एक्सीडेंटली था या अनएक्सीडेंटली था, ये तो आप घर में जाकर के पूछिए। आजकल तो औरतों का इधर इंडक्शन भी चल रहा है, इधर 1175 रुपए की ब्यूटेनॉल भी चल रही है गैस का सिलेंडर, इधर बाथरूम में गीजर अंकल भी चल रहे हैं, दूसरी वाली दीवार से वॉशिंग मशीन भी चल रही है, और पता चला इधर मिक्सी में आपका ग्राइंड भी हो रहा है। तो अपने आप ही आपका देखो ना क्या हाल होगा। सर अगर हम एक्सटेंशन जो होता है उसमें सर ओवरलोडिंग होती है? हाँ हाँ बिल्कुल होती है। आप 5 एम्पियर वाले को कह रहे कि ना नहीं आ रहे आजकल, ऐसे वाले नहीं आ रहे, तीन चार होते ऐसे वाले। अभी देख लो ना, लगा तो आप किससे 5 एम्पियर से लगा रहे हो, या तो 15 एम्पियर वाले से लगाओ तब तो ठीक है, जो पावर रेटिंग वाले हैं पावर सर्किट से लगाओ। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कोई गंवार है तो पढ़ा लिखा जाहिल गंवार है, उसको नहीं समझा सकते।
गरीब आदमी तो एक बार आप समझा दोगे किसी आपका ना उसको नहीं ये गलत है, वो समझ जाएगा कि पढ़ा लिखा कह रहा करके। लेकिन पढ़ा लिखा जब पढ़े लिखे वो अपने से, अरे यार अगर पढ़े लिखे अगर आप खुद ही बुरा मत मानना, आपको नहीं कह रहा हूं मैं कॉमन से, अगर माँ बाप पढ़े लिखे जाहिल गंवार नहीं होते आज आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट नहीं होता। आपके माँ बाप ने कभी सरकार को ये लिख कर नहीं बोला कि यार ये प्रैक्टिकल आप ऐसे क्यों ले रहे हो, मैथ में भी ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल हो रहा, शर्म से तो डूब मरना चाहिए ना। करप्शन कौन फैला रहा है? सरकार, सरकार के काम करने वाले। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, 50 का नोट पकड़ाओगे तो अभी बनेगा। आप कितना डिजिटल कर दो, आप हिंदुस्तान को डिजिटल, चोरों ने चोरी खाने के पैसे खाने के तरकीबें उनके पास है, हमारे पास नहीं है ईमानदार के पास। आप ये लगाइए ना, आप क्या डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन कह रहे हैं आपका, पता चला आप एटीएम में पैसे निकालने गए, आपने कहा भैया ये तो नहीं निकल रहा, उसने भी आपका एटीएम में वो किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं निकलना चाहिए, पता चला आपका एटीएम तो पंच है, उन्हें उन्हें कर ले रहे नहीं कर रहे हो, आपके एटीएम से पैसे थोड़ी देर में मैसेज आ रहा 10,000 रुपए खलास लो, टाटा एटीएम में डाले हो तो ये चीज है ना, तो यही तो यही तो चीजें आपको समझा दी जाती है। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है, पढ़ने लिखने आप कितना मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिग्री से मतलब नहीं है, यहाँ पे नॉलेज से मतलब है, आपके स्किल से मतलब है, ये होता पढ़ाई का मतलब, ये होता पढ़ाई का मतलब। किसने बोला कि डिग्री डिग्रियां तो लोगों के पास, अभी बीटेक वाले से बात करो जरा, पता नहीं कहां से पढ़ के आया हो, इंटरमीडिएट जिसने कर लिया उसको 11th का, जो कोरोना पीरियड में कल ही कोई पेरेंट्स आया था बोला हमारे बच्चे अब 10th से तो पास हो गया, पहली बार बोर्ड देंगे, 12th में कई बच्चे बोर्ड दे रहे क्योंकि 10th में तो कोरोना में निकल लिए। तो ये हाल है सरकार का, देखो ना क्या फर्क पड़ा है, कल को आप फेल हो जाते सरकार को फर्क पड़ेगा या आपकी फीस माफ हो जाएगी? तो फिर एंड द लास्ट इज आपका फ्यूज, पहले ऐसे होते थे जो आपको बोला ये व्हाइट रंग के बेक लाइट और ऐसे ये आपका यहां और यहां आपका ये होते थे स्क्रू, यहां से तार को ऐसे लगाते थे, ओवर हीटिंग होती थी ये ब्रेक हो जाता था, फिर आओ स्क्रू से इसको खोलो, फिर लेड की तार, ये आपका एक नॉर्मल तार है जो पतली वाली तार लगाते थे, और लोग हैं नींद में जब फ्यूज होता करके इतना मोटा तार लगा करके वो एफ ले, तो इसको कभी भी तार मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए बाल के बराबर, लाइक ए हेयर आपका ना, उससे कि जब ओवर हीटेड हो या शॉर्ट सर्किट हो तो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो गया मीन्स आगे की कनेक्टिविटी आपकी बंद हो गई और आपके अप्लाइंसेज आपके क्या है बच गए, ये होना चाहिए। तो फ्यूज का मतलब आपका ना इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, ये भी आपका एक छोटा सा तार होता है इतना आपका ना देखो, लेकिन ये भी आपका क्या है सेफ्टी डिवाइस, ठीक है ना, एस एस ए एफ ई टी वाई, ये सेफ्टी डिवाइस, देखो तार है जबकि और यहां तार था पता नहीं मैंने कहां फेंक दिया, अब आप ये समझ लीजिए ये तो बहुत मोटा दिख रहा है आपका, देखो ना सिर्फ ये जो दो फिंगर के बीच में दिख रहा आपको भाई इतना ही होता है, लेकिन ये जो इसकी थिकनेस, थिकनेस इज लाइक योर हेयर, इतनी होनी चाहिए कायदे से, अगर आपको अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाना है आपका, देखो ना तो हैविंग जी यार मेल्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, तब तक तो तुम्हारे भटजी के पहाड़े पड़ लेगा, हैविंग शॉर्ट ऑफ थिन वायर, ये देखिए आपका नाम मेड बाय, ये मेड ऑफ टिन एंड ये मार्केट में मिलती है, लेकिन कौन रख रहा है, कौन रखता है बताइए, वो जो तार पड़ी होती है उसी कॉपर की वायर से यूं थूक लगा लगा के लोग लगा देते हैं उसको, आपका नाम तो ये आपका लेड अलॉय हैविंग आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका अराउंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इंडक्शन जब आप चलाते होंगे आपने देखा होगा 200 से शुरू होता है, 200 400 आपने देखा 800 1000 1300 1600 2000 ऐसे आते हैं अपना इंडक्शन में देखिएगा अपना, तो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज ये कॉज्ड बाय
ये जो ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग और आपका शॉर्ट सर्किटिंग से इससे बचाया जाता है, इसलिए ये फ्यूज जरूरी। बाकी आप जो है अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, अब वो देख लेंगे, बात को देख लेंगे। प्रिकॉशंस आप क्या करना, जो मेरा पुराना वाला जो है, जो पुरानी वीडियो है उसमें से देख लेना। अब कल आपका एपी, एपी पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया था, तो कल सर्विस सही है, ठीक हो गया। हैव ए नाइस नाइस इवनिंग स्टॉल, गॉड ब्लेस यू प्लीज। यस, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, मतलब ये भी शॉर्टकट में पढ़ा है। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए पुराने साल वाला आप जरूर देख लीजिएगा।